आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, EPFO जो संस्था है, संगठन है, अभी अभी कल ही उन्होंने कहा है कि 7 करोड़ पेंशनधारियों को मैं उसका जो है पेंशन दिलाऊंगा, उनको दिवाली से पहले उनको पैकेज दूंगा, उनको जो है जो भी मांग है एक मुफ्त पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब व्यवस्था बना रहे हैं। इनको जो है श्रम मंत्रालय में इस बात पे बात हुई है, लेकिन EPS 95 के जो पेंशनधारी हैं उनको भी कहा कि हम पैसा दे रहे, 12 बजे रात में बात करते हैं, फिर कहते हैं कि मैं दे रहा हूँ, अरे दे रहे बार बार दे रहे। तो इस तरह का जुमलेबाजी हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनको शोभा नहीं देता, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो कहा है, जो मोदी है, तो मुमकिन है वो पूरा होगा। जब फाइनेंस मिनिस्ट्री महोदया जब सीतारमैया ने कहा कि यस ये मांग ठीक है, हम इनकी पूरा करने जा रहे हैं, जब श्रम मंत्रालय ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यस कर दिया कि 7,500 प्लस दिए, प्लस जो है हम मेडिकल फैसिलिटी सारा देंगे, और इनको जैसे जरूरत होगी ये एक मुश्त, अगर इनको इनके ही पैसे हैं, अगर एक मुश्त इनको 50,000 1 लाख रुपया चाहिए, और शादी ब्याह है, बच्चों का है, एक बीमारी है, या बहुत गंभीर ज़रूरतें हैं, तो उस हालत में मिल सकता है, यही इनकी जो है संगठन EPFO ने कहा। तो ये सारा जब कह रहे हैं, जब इन्होंने जो है डाटा बनाया, सारा कुछ किया, लेकिन रिलीज नहीं हो रहा है। जो हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे, चूंकि बुजुर्ग हैं, 70, 75, 72, 74 साल के हो गए, कई तो भगवान के प्यारे हो गए, कई भगवान के प्यारे होने के कागार में लगे हुए, लाइन में लगे हुए, उठ नहीं सकते हैं, पैर नहीं चल रहा, हाथ पांव नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं मेरा पैसा है मुझे दे दो भैया, ताकि मैं गमछा खरीद लूँ, मैं चप्पल खरीद लूँ, मैं थोड़ा सा बीड़ी सिगरेट का पैसे निकाल लूँ, चाहे चाय पीऊँ या कुछ करूँ, ताकि हम अपने सुकून से बैठ करके अपने पैसे का भोग कर सकूं। लेकिन सरकार जो है देंगे दे रहे का इस तरह का जुमलाबाजी करके कहीं ना कहीं हमें और हमारे EPS 95 के बुजुर्गों को और हमारे तमाम जो बुजुर्ग हैं उन सबको ठगी का रास्ता दे रखा है, उनको जो है लॉलीपॉप दे रखा है, यही जो है सहारा जो सेवक है उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्यों नहीं चाहते हैं? देखिए देना चाहते हैं, लेकिन नीयत ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं उस पैसे को चुनाव में खर्च कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं ये कह नहीं सकते, या फिर ये मौके की तलाश में है कि मुझे इन बुजुर्गों से कब और कैसे कितना फायदा लेना है, क्योंकि ये चुनाव में फायदा देखते हैं, जहां फायदा मिलता है वहां किसानों की बात सुनते हैं, जहां फायदा मिलता है वहां जो है अग्निवीर और जवानों की बात सुनते हैं, जहां फायदा मिलता है वहां अन्य जो है समुदाय को सुनते हैं। तो ये बुजुर्गों का फायदा जो है इनको नहीं दिख रहा है, 4 राज्यों में ये लुढ़क जाएंगे, जब ये इन्हीं लोग वोट देते हैं, इन्हीं लोग जो है पर्ची बांटते हैं, इन्हीं लोग जो है बूथ पे बैठते हैं, तो इनको अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो नज़रअंदाज में कहीं नज़रअंदाज ये खुद ना हो जाए, ये तो वक्त बताएगा, 10 अक्टूबर को बताएगा। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार इस पे जो है तत्काल इस पे संज्ञान लेते हुए जल्द ही इनको पैसा देगी, मुझे पूरी उम्मीद है। लगातार मैं संपर्क में हूँ, मेरी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, अहरा नेशनल पार्टी और व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर दुआ हम संपर्क में हैं, जो ब्रिगेडियर अशोक रावत और इनके अन्य नेताओं के साथ भी संपर्क में हैं, कि अगर ये नहीं सुनेंगे, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन जब सर से पानी ऊपर जाएगा तो हम जन आंदोलन करेंगे, जन क्रांति करेंगे और एक विकराल रूप धारण करेंगे, जो भारत सरकार को बहुत मुश्किल में डाल सकता है। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी मांगों को तत्काल जो है आपके चैनल से हम सरकार से अपील करते हैं कि इनकी मांगों को तत्काल पूरा कर दीजिए। हंसी खुशी आप जो है आप भी खुश रहें, हम बुजुर्गों का भी आप आशीर्वाद लें, दुआ लें। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसी आस के साथ हम बैठे हैं, आप जल्द इस पे संज्ञान लेंगे।